नमस्कार, अमेज़न प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक लाइव। कोरोना का ये जो काल है, ये जो पेंडेमिक का समय है, ये सभी के लिए बड़ा ही कष्टदायक है। हर इंसान परेशान है, अपनी परेशानियों से जूझ रहा हर इंसान कहीं ना कहीं अपने आसपास फैली परेशानियों को भी अपने अंदर समा लेता है। ऐसे में सबसे ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है उन महिलाओं के लिए जो अपने साथ साथ अपने आने वाले बच्चे का भी ख्याल उनको रखना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं गर्भवती महिलाओं की, क्योंकि महिलाएं एक ऐसा स्तंभ होती हैं परिवार का, जो अपने साथ साथ अपने परिवार का ख्याल भी रखना है, बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके साथ होती हैं। तो चलिए, आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रही हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर लक्ष्मी उनका नाम है। पेशे से वो महिलाओं के बारे में बताती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डॉक्टर हैं। तो गर्भवती महिलाओं के विषय में आज हमारा ये खास एपिसोड होने जा रहा है। खास तौर से इसलिए भी ये बेहद अहम है क्योंकि पेंडेमिक के समय में, जब महिलाओं के लिए ये बहुत ही क्रूशियल समय है, तो इसमें क्या कुछ करें, क्या ना करें, क्या करने से बचें और कैसे अपना, अपने परिवार का और अपने आने वाले बेबी का ख्याल रखें, नन्हे मुन्ने मेहमान का ख्याल रखें। तो चलिए, इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर लक्ष्मी, अमेज़न प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर लक्ष्मी, सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा सवाल, सभी के जैसा ये सवाल है कि पेंडेमिक का ये समय है, एहतियात बरतना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि बहुत ही बेसिक रूल्स गाइडलाइन सरकार की तरफ से, या फिर यूं कहें कि अब बच्चे बच्चे के जबान पर है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, ये कुछ चीजें हैं जिनको पालन करके हम अपनी लाइफ को इस पैंडेमिक से थोड़ा बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाएं जो कि घर पर है उनकी भी बात करेंगे, या जो ऑफिस जाने के लिए जिनका टाइम शुरू हो गया है उनकी बात भी करेंगे। कितना क्रूशियल है उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रेगनेंसी है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है। ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आप कुछ बीमार हो या आपको कुछ अलग से प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सभी वही प्रिकॉशन लेने हैं जो एक नॉर्मल बंदे को लेने चाहिए, नॉर्मल जो पेशेंट्स को लेने चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ा सा हमारी लो हो जाती है, इसीलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो थोड़ा सा ज्यादा प्रोन हो जाती हैं इन्फेक्शन के लिए, जिसके लिए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके जो चेकअप्स होते हैं, जो डॉक्टर के साथ आप एंटीनेटल केयर के लिए जो आप विजिट लेती हैं, सबसे पहले तो उनको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आप हॉस्पिटल्स में जाना अवॉइड करिए। आजकल बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे टेली मेडिसिन है या वीडियो कॉल पर भी डॉक्टर जो है कंसल्ट कर रहे हैं। तो जी आई विल प्रेफर कि आप वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टर से कंसल्ट करिए, टच में रहिए डॉक्टर के, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल आप वीडियो कॉलिंग करके डॉक्टर के टच में रहिए। ज्यादा से ज्यादा क्राउड में अवॉइड करिए कि क्राउड में ना जाएं, सोशल गैदरिंग में आप लोग ना जाएं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि ऑफिसेस खुल गए हैं तो वो एक मजबूरी है कि हमें ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन जी विद फुल प्रिकॉशंस। आपको पूरे प्रिकॉशन लेने हैं तभी आप ऑफिस जाइए। प्रॉपर आपको हैंड वॉश करना है 20 सेकेंड के लिए, इंक्लूडिंग योर रिस्ट, योर थंब, योर फिंगर्स, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छे से अपने हैंड वॉश करिए, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखिए, मास्क हमेशा अपने साथ में रखिए। तो इन जी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप लोग बाहर निकलिए, और डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर, देखिए आप चूंकि एक डॉक्टर हैं, आपके पास तमाम तरह के मरीज आते हैं, बहुत सारी तकलीफों से गुजर रहे होते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो ये पैंडेमिक है या ये कोरोना वायरस है, ये उन लोगों पर ज्यादा जल्दी असर कर रहा है, उन लोगों को ज्यादा जल्दी अपनी गिरफ्त में ले रहा है जो ऑलरेडी किसी ना किसी बीमारी से परेशान है, जैसे कि बीपी के मरीज होते हैं, हार्ट के मरीज होते हैं, और कोई अगर ऐसी महिला है जो प्रेग्नेंट भी है लेकिन उसके साथ साथ उसको वो शुगर से भी परेशान है या थायराइड से भी परेशान है,
तब ऐसे में कितना जरूरी हो जाता है प्रिकॉशन लेना और किस तरीके से उनको चलना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जिनको ऑलरेडी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, बीपी है, डायबिटीज है, उनकी मेडिसिन्स ऑलरेडी चल रही हैं, साथ में उनको प्रेगनेंसी भी है, तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है एहतियात बरतना। प्रेगनेंसी के साथ साथ जो अपनी बाकी मेडिसिन्स हैं उनको भी कंटिन्यू करें और फ्रीक्वेंटली डॉक्टर के टच में रहें, अपनी मेडिसिन्स प्रॉपरली लेते रहें, ज्यादा से ज्यादा घर पे ही रहें, अपना इम्यूनिटी का ध्यान रखें, इम्यूनिटी अपनी अच्छे से उसको इंक्रीज करके रखें, हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें ताकि माइंड जो है वो काम एंड कूल रहे। स्टिल अगर उनको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है, कोई फीवर लगता है, हल्का फुल्का कफ एंड कोल्ड लगता है, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा एक्टिवेट होने की जरूरत है, अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कराएं, या अगर उनको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है तो अपने डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करें, लेट ना करें, उनके जी लिए वेट करना घातक हो सकता है। जी डॉक्टर, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि ये जो वायरस है ये कोई देखिए देख कर नहीं आता है, ये कब किसको कैसे हो जाए ये नहीं कहा जा सकता। अगर किसी गर्भवती महिला को कोरोना वायरस हो जाता है, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है, तो क्या ये जरूरी है कि ये बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है, या किस तरीके से इससे उबरा जाएगा? देखिए, ये एक नया टाइप, ज्यादा स्टडी नहीं है, अभी भी जो है रिसर्च रही है इस। ये एक पेंडेमिक है, अभी इसका क्रूशियल स्टेज चल रहा है। धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाएगी, लेकिन हाँ, जी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को पॉजिटिव आता है, कोविड टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, तो सबसे पहले तो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी कोई भी स्टडी नहीं आई है कि इसका प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होता है या वर्टिकल इसका ट्रांसमिशन होता है। अगर माँ को कोरोना पॉजिटिव है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे को भी कोविड पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ऐसी कोई भी जी स्टडी अभी तक नहीं आई है। तो बच्चे को जी पॉजिटिव आने का कोई चांस नहीं है, और माँ को वही सारे प्रिकॉशन फॉलो करने हैं जो नॉर्मल जो लोग हैं वो कर रहे हैं। जी डॉक्टर, कई बार हमने ये सुना है जैसे लोग इस बात पर ज्यादा वो ध्यान देते हैं कि आप आराम कीजिए, आप रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप गर्भवती हैं, आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत है। क्या कहेंगे आप? शुरुआत में आपने कहा कि ये एक बीमारी नहीं है, ये बहुत ही ऑब्वियसली नेचुरल प्रोसेस है और हर हेलो महिला को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। हेलो, जी, तो हम यहाँ पर इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मी जुड़ी हुई हैं। हम उनसे ये जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार कोरोना की इस पीरियड में भी, संकट के समय में भी, गर्भवती महिलाओं को कैसे सुरक्षित रहना है, क्या कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। और बहुत तक हद तक उन्होंने कहा भी है कि जो साधारण दिशा निर्देश हैं सभी सरकार की तरफ से, मंत्रालय की तरफ से, बेसिक जो जरूरतें हैं, बेसिक जो चीजें हैं उनको फॉलो कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, अपने आप को बचा कर रखिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए और मास्क का इस्तेमाल कीजिए। जितना जरूरी हो घर पर रहिए, घर से बाहर आपको नहीं जाना है। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक आम इंसान को कोरोना वायरस से बचने के लिए अपनी जिंदगी में लागू करनी है, वही गर्भवती महिलाओं को भी करनी है। बस खास ख्याल की जरूरत है और बेहद जरूरी है कि परिवार का सपोर्ट महिलाओं के साथ रहे। डॉक्टर रश्मि से हम फिर से जानेंगे, हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। डॉक्टर रश्मि, हम बात करें, कोरोना के इस समय में हर चीज पर रिस्क बना हुआ है, चाहे वो बाहर से खरीदने वाला कोई भी सामान हो, घर तक पहुंचने वाला कोई भी सामान हो। किस तरह से, अगर घर में कोई गर्भवती महिला है तो इस उन सामानों को डिसइन्फेक्ट कैसे करें, कैसे महिलाओं की पहुंच तक जाने से पहले उनको इन्फेक्शन से फ्री करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शॉपिंग जितना हो सके अवॉइड करें तो अच्छा है, लेकिन जी हाँ, जो बहुत असेंशियल कॉमोडिटीज हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता है, उनको तो लेना जरूरी भी है और उसको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं यही बोलूंगी कि जो भी सामान है उसको कुछ घंटों के लिए आप बाहर ही रखा रहने दें, और
सबसे इम्पोर्टेंट है बेकिंग सोडा का पैकेट लाके रख लीजिए घर में, और हल्के ल्यूक वार्म वाटर में सारा जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या कुछ भी पैकेट्स हैं, उन सबको आप डिप करिए, और 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर अच्छे से उनको आप वॉश करिए, उसके बाद ही कोई सामान आप यूज करिए जी। डायरेक्ट, उसका डायरेक्ट टच से बचिए किसी भी सामान के। जी, तो डिसइंफेक्ट करना बेहद जरूरी है ताकि वायरस से बिल्कुल बचा जा सके। डॉक्टर, बिल्कुल एक बिल्कुल गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि हम आज खास ये एपिसोड उन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं, उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये बेहद जरूरी है कि उनकी दिनचर्या पर बात हो। कैसी होनी चाहिए गर्भवती महिला की दिनचर्या? क्योंकि बहुत सी महिलाओं को हमने देखा है जो सारा दिन आराम करती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सारा दिन काम करती हैं, तो किस तरह से एक बैलेंस्ड दिनचर्या एक गर्भवती महिला के लिए होनी चाहिए? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना तो बहुत ही जरूरी है, चाहे प्रेगनेंसी हो या ना हो। प्रेगनेंसी में थोड़ा ज्यादा ये चीज जरूरी हो जाती है कि आप अपने डाइट पे और अपने लाइफस्टाइल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपका जो बेबी है उसकी भी लाइफ आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। इसमें मैं एक्सरसाइज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगी। आजकल बहुत सारी वीडियोस हैं एंटीनेटल एक्सरसाइज की, जो आपको हेल्प करेंगी, माइंड को भी आपके बिल्कुल शांत रखने में हेल्प करेंगी, और साथ में नॉर्मल डिलीवरी होने में भी हेल्प करती हैं। तो कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज होती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती हैं, कीगल एक्सरसाइजेस होती हैं, जो मैं हर लेडी को रिकमेंड करती हूँ कि आपको ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी जरूर करनी चाहिए। साथ में आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए, उससे एक पॉजिटिव ऑरा, एक पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो जनरेट होते हैं बॉडी में, वो बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ साथ जो डाइट है वो तो है ही है, आप जितना भी हो सकता है हेल्दी खाना खाइए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो सब आप लीजिए। जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए, चिप्स हो गए बाहर के, पिज्जा बर्गर हो गए, ये सब अब शुरू हो गए हैं, डोमिनोज ने तो होम डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि ये सब चीजें आप अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। आप जितना हेल्दी सोचेंगे उतना ही हेल्दी आप खाएंगे, उतना ही हेल्दी आपका बेबी होगा, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी डॉक्टर, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, मुझे लगता है कि मेरा ही नहीं, शायद बहुत सारी महिलाओं का, बहुत सारे परिवारों का ये सवाल होगा, और वो सवाल ये कि आजकल हम सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ पर ज्यादातर डिलीवरी की केसेस जो है, वो मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज वो ऑपरेशन से ही हो रही है। नॉर्मल डिलीवरीज या तो यूं कहें कि लोग अवॉइड कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि डॉक्टर्स की तरफ से ऐसे कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि इतना डरा दिया जाता है पेशेंट को कि वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाते ही नहीं है। तो क्या कुछ है, जरा इस पर से पर्दा उठा दीजिए। देखिए, ये तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। जब हम नॉर्मल में बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे परिवारों का ये कहना है, तो आप ऐसा जवाब दीजिए कि लोगों को वाकई आपके लिए भी कंट्रोवर्सी का मुद्दा ना बन जाए, और एक बहुत थोड़ा सा लोगों को भी जरा चैन पड़ जाए, सुकून आ जाए। देखिए, ये हमारे कुछ हद तक अगर देखें तो हमारे खुद के भी हाथ में होता है। जैसे कि मैंने बताया, आप हेल्दी डाइट लीजिए, आप एक्सरसाइज करिए थ्रू आउट प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से लेबर पेन को झेलने में वो जो मसल्स हैं वो इतना स्ट्रांग बन जाती हैं कि वो लेबर पेन्स को झेल सकती हैं। लेकिन कुछ, कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क पेशेंट होते हैं, सपोज अगर किसी का बीपी हाई है प्रेगनेंसी में, या अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, खतरा है, फीटल डिस्ट्रेस है, बच्चे को, बच्चे ने अगर अंदर ही म्यूकोनियम स्टेन लाइकर है, अगर बच्चे ने अंदर ही गंदा पानी पी लिया है, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ सकता है। जी, यही हाथ में होती है, मैं यही बोलूंगी कि ये हर बार ऐसा भी नहीं होता है कि डॉक्टर्स ने जबरदस्ती चाहा तो सिजेरियन कर दिया और ऐसा नॉर्मल कुछ रहे, तो
तो बहुत सारे भ्रम है गर्भवती महिलाओं से जुड़े जीवन को लेकर। हम ये चाहते हैं कि आप इस भ्रम से बचें। आप भी अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई गर्भवती महिलाएं, या फिर आप अगर इस प्रोग्राम को देख रही हैं, आप भी खुद टू बी मदर हैं, आप भी गर्भवती हैं, तो आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कोरोना का ये समय ये बहुत क्रूशियल है। हालांकि कुछ समय बाद ऐसा समय भी नहीं रहेगा, ये अच्छे समय में बदलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम आप सभी से फिर से कहना चाहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, जितना जरूरी हो हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, लोगों से बचकर रहिए, अपने और अपने बच्चे को इन्फेक्शन से जितना जरूरी हो सके उतना अपने आप को बचाते रखिए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो, हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हम और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बहुत सारी जानकारियां लेकर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।